कोई है यहाँ पे जिसको दुखी रहने में बड़ा मज़ा आता है? सबको खुश रहना अच्छा लगता है, लेकिन खुश कैसे रहें? हाउ टू बी हैप्पी? बेसिकली क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन के साथ ठहरते नहीं हैं, बड़ी जल्दी जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें रिजल्ट पता है आगे। क्या इससे बड़ी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी ना मिले, दूसरी तरफ आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो, क्या ज़्यादा बड़ा? फीलिंग्स बदलती रहती हैं, आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान की होने की वजह से, कल उसी इंसान के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होंगी। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, और दुख नहीं चाहिए, हम इस बात को समझते क्यों नहीं हैं? लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नज़र आती हैं हर तरफ। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी भी अच्छाइयाँ नहीं नज़र आती हैं, उनकी भी कमियाँ ही नज़र आती हैं, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो तो हमें नज़र आता है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है वो हमें नज़र ही नहीं आता। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सब की, इतना नेगेटिव नेगेटिव दिखा करके हमारे दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि हर तरफ सब कुछ ही गलत हो रहा है, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हों, अपने दुख की बात करके औरों को भी दुखी करें, इस सोसाइटी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाएं और आपको भी दुखी कर दें। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ ही जाएगा। कोई अगर अच्छा इंसान भी हमारे सामने आकर बैठ जाएगा तो भी हम उसकी 36 गलतियां निकालेंगे। कोई इंसान अगर हमारे साथ अच्छा भी कर रहा होगा तो भी हमारे अंदर डाउट आ रहा होगा कि अच्छा क्यों कर रहा है, कोई ना कोई इसका फ़ायदा तो है। ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है, जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। अगर आप एक्चुअल में आंख खोल के इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नज़र से नहीं, जैसी मीडिया ने हमारी कंडीशनिंग कर दी है वैसे नहीं, एक्चुअल में लोगों को देखो, ध्यान से देखो, आपको भोलापन नजर आएगा, इनोसेंस नजर आएगी। हर आदमी अपने अपने तरीके से खुश होने की कोशिश कर रहा है, तरीके अलग अलग हैं लेकिन खुश होने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। सब अपने अपने सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सब भोले वाले हैं, कोई भी बुरा नहीं है। ये हमारी जो थिंकिंग है ना वो बुरी है, कोई भी बुरा नहीं है, किसी के अंदर भी बुराई ना देखो, सब अच्छे हैं भोले वाले हैं। तो अब इसका सलूशन क्या है कि हम हमेशा खुश कैसे रहें, बच्चों की तरह हंसे कैसे, यानी कि अगर हम हंस रहे हैं तो कोई दिखावा ना हो, अंदर से ही खुशी आए, अंदर फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस मस्त रहे। हमेशा याद रखो, नेवर मेक एनीथिंग अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे थियोरेटिकली मत समझो, प्रैक्टिकली समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसको लाइफ में उतारने की कोशिश करो, उतारा जा सकता है, ये श्योरिटी है मेरी। दो तरीके हैं इस दुनिया को जीने के, एक तो ये है कि अपने आप को इस दुनिया से अलग समझो, इस नेचर से अलग समझो, बिल्कुल अलग समझो, अपने आप को अलग समझो, भगवान से अलग समझो, सबसे अपने आप को अलग समझते रहो। तो जितना आप अपने आप को अलग समझोगे औरों से उतना ही दुखी रहोगे। सच को देखो, सच ये है कि हम नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। आज जो हम बुरा फील कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने आप को नेचर से अलग समझते हैं, नेचर से बहुत दूर हैं हम। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है, उसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है अपने को आपको दुखियारा दिखाने में, अपना दुख बांटने में। तो जितना आप दुखी हो, अपने दुख के बारे में बात करोगे या औरों के दुख को सुनोगे, आपका दुख उतना ही बढ़ेगा, आपको दुख उतना ही दिखेगा। जितना आप कमियाँ को देखोगे उतनी कमियाँ आपको दिखेंगी। हर एक का अपना बेसिक नेचर है, हर आदमी अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चल रहा है। हम क्यों बीच में घुस करके बोलते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, हम बीच में घुस करके
उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि वो सही है वो गलत है, जबकि हम भी कहीं सही हैं कहीं गलत हैं। कोई है इस दुनिया में जो कह सके कि मैं परफेक्ट हूं? कोई है क्या? तो क्या हमको ये हक बनता है कि हम सामने वाले के ऊपर जाकर उंगली करें? हम सब जुड़े पड़े हैं। अगर मैं जो इस दुनिया को इस नेचर को देखने वाला हूं, तो ये नेचर किस काम का है? ये धरती किस काम की है? लगाओ दिमाग। मतलब कि इस दुनिया को कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है, तो ये दुनिया किसी काम की है क्या? इट विल बी लाइक यूनिवर्स तो है लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, तो यूनिवर्स किस काम का? लाइफ है लेकिन यूनिवर्स नहीं है, तो लाइफ किस काम की? आपको समझ आ जाए कि मैं बाद में इंडियन हूं, बाद में मेल फीमेल हूं, सबसे पहले तो मैं एक ह्यूमन हूं, मैं लाइफ हूं। वो लाइफ जो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक ही है, जुड़ी पड़ी है। सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हटा दो कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब ये दुनिया बदल जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। वो कभी नहीं होगा, तो आप खुश कैसे रहोगे? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि ये दुनिया नहीं बदलने वाली। इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे। इस दुनिया में आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग कभी ज़िंदा नहीं होते, हम लोग कभी ज़िंदा नहीं होते। हम सुसाइड कर चुके होते या तो हमको कोई मार चुका होता। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाती है, नहीं तो हमको सब जगह सिर्फ बुराई दिखेगी। जितना आप बुराई देखोगे उतने ही दुखी रहोगे, लेकिन जितना आप अच्छाई देखोगे उतना आप खुश रहोगे। यही तो प्यार है। प्यार क्या है अगर कनेक्शन नहीं है? किसी की अच्छाइयाँ देखना अगर प्यार नहीं है तो प्यार क्या है? दूसरों की अच्छाइयाँ देखना, खुश होना, दैट इज़ व्हाट लव इज़। हमेशा दूसरों की खुशियाँ देखो, अच्छाइयाँ देखो, खुश रहो। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो